रुकिए ना सर, रुक जाइए ना सर, रुक जाइए आप। अरे छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। रुकिए रुकिए, निर्लज्ज बेगैरत बेशरम, अरे कोई शरम वरम है कि नहीं, निकल बाहर। अरे बाप रे बाप, अपने को बोल रहे हैं सर, हम आपकी जगह होते तो खुद को यही बोलते। बताइए, दो घंटा से बिठा के रखा है और दोनों मैडम खुद गायब। अरे इतना बेइज्जती। अरे हम मानते हैं कि आप फालतू है, बकवास है, धरती का एक्स्ट्रा बोझ है, पर इतना चिल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए हमको सर? हमको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? अब इतना बेइज्जती के बाद सर, जाइए सर, चलिए बाहर निकल। नहीं नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते। छोड़िए छोड़िए। नहीं 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 नहीं, चिंता इनको पकड़े रहो। सर सर सर, हम आपके पैर पकड़े। अरे हमारा पैंट उतर जाएगा भाई, छोड़िए। छोड़ना मत इनको, चाहे इनकी पैंट भी उतर। हे भगवान, छी छी छी, अरे निर्वस्त्र इंसान दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा? पैंट उतरी नहीं है, उतर जाएगी। आपकी नहीं सर, हमारी। हम होते तो इसीलिए कह रहे हैं, चलिए बाहर निकल। नहीं सर, सर हम आपको नहीं जाने देंगे। सर सर, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, दूर रहिए सब। आपको यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। छोड़ेंगे नहीं आपको। सर हम कैसे भी करके आपका कीमत तो चुका देंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी यहाँ से चले गए ना, तो करिश्मा मैडम जो हम लोगों से वसूलेंगी ना, उसका कीमत हमारे शरीर से लेके डॉक्टर के बिल तक को चुकाना पड़ेगा। यस, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे? अरे शांत शांत, क्या हुआ? आप इस तरह से नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? अरे मैडम सर, आप ही ने कहा था ना, जब तक आप ना आए इनको कहीं जाने मत देना। हाँ? तो हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो बुलबुल सर बुरा मान गए। रोकने की कोशिश? अरे मैडम जी, पूरा का पूरा उतार दिए। मतलब हम बता रहे हैं आपके साथ जो जुल्म हुआ है, वो भी महिला थाने में। मैडम अब बताइए, बीच बाजार में बीच चौराहे पे उतरता तो कुछ बात भी था। हम अपने बारे में बोल रहे हैं सर, हम होते तो। देखिए, हम इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमें जरूरी काम से हेडक्वार्टर जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। आइए केबिन में बैठकर बात करें। तशरीफ रखिए मिस्टर बुलबुल पांडे। ये रही निशा अमृत की वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपने कोर्ट में सबमिट की थी। हाँ, तो? तो क्या पढ़ना अनपढ़ जाहिल गवार। सर ऐसा ये लोग कहते हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो इसमें आधा सच है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होती, इन्वेस्टिगेशन के दूसरे एंगल्स पर भी ध्यान दिया होता, तो इस रिपोर्ट में पूरा सच लिखा होता। अच्छा, तो क्या है सच? सच ये है कि निशा अमृत निर्दोष है। कौन कहता है ये? यही सच है मिस्टर बुलबुल पांडे। जी नहीं मैडम, सच इस रिपोर्ट में है जो मैंने तैयार की है, जो कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से तैयार की है। इसमें साफ साफ साबित किया गया है कि ये लड़की निशा अमृत एक गुनाहगार है, एक देशद्रोही है, और उसके कनेक्शंस आतंकवादी संगठन से है। तजुर्बा कहता है हमारा कि आधा सच और आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जैसे आपने कर दिया उस निशा के लिए। एक निर्दोष लड़की को आपने आतंकवादी बना दिया। मैडम समस्या इस रिपोर्ट में नहीं है, आपकी नजर में है, आपकी आंखों में है, जिस पर जज्बात का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब हर अपराधी को आप इस जज्बात के चश्मे से देखेंगे तो उसमें आपको गुनाहगार नजर आएगा ही नहीं। और ये लड़की निशा अमृत बहुत ही शातिर अपराधी है, और इस बात पे हमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खुद की है। आपका यकीन किस बुनियाद पर है? सच जो अब सबके सामने है। इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली थी कि एक आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को एक बड़ा सा अटैक प्लान करता है, और उस आतंकवादी संगठन की कोई एक मेंबर जो कि 27-28 साल की लड़की है, वो हमारे शहर में रेकी के लिए आने वाली थी। बस क्या था, सारी पुलिस फोर्स अलर्ट थी। हमें पता चला कि भवानीपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन में वो लड़की सफर कर रही है, और अपने ग्रुप वालों से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि वो लोग कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं कि उससे पूरा देश हिल जाएगा। स्टेशन पर उतरते ही हमने उसे फॉलो किया तो पता चला कि लड़की तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाकर वीडियोस और फोटोज ले रही है। और इसी बीच हमें एक टैटू आर्टिस्ट का फोन आता है, उसने भी हमें यही कहा कि ये लड़की निशा अमृत प्रतिबंधित क्षेत्र में फोन से रेकी करने वाली है। जब उसे गिरफ्तार किया था तब उसके पास जो सामान मिला, जो कैमरा मिला, जो डॉक्यूमेंट मिले,
वो भी उन जगहों से संबंधित थे। मानिए मेरी बात मैडम, यही सच है कि निशा अमृत एक आतंकवादी है। मिस्टर बुलबुल पांडे, सच एक पहाड़ की तरह होता है जो अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है, जबकि पहाड़ का सच तो ये है कि वो बस एक पहाड़ है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, बहुत जल्द हम आने वाले हैं इस चैनल पे लेके आपके लिए कुछ ऐसी प्रतिबंधित जगहों की खास वीडियोस जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, और ये सब आपको दिखाएगा मेरा कैमरा। 26 जैन को होगा आपका इंतजार खत्म। टिल देन वेट, और मैं वापस आऊंगी एक धमाका के साथ। निशा अमृत एक इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट पर अपना नया वीडियो चैनल शुरू करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके चैनल का लॉन्च धमाकेदार हो, और उसके लिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सारे फुटेज लिए, सारे फोटोज लिए, और इसी के जोश में वो ये सब कर बैठी। उसे क्या पता था कि आप उसे आतंकवादी साबित कर देंगे। निशा अमृत निर्दोष है। ऐसा आपको लगता है मैडम? ये लड़की निशा अमृत मुजरिम है, ये बात मैं साबित कर चुका हूँ पुख्ता सबूतों के साथ। ये बुलबुल पांडे में लाख बुराई क्यों ना, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। चल झूठे, ऐसा ये लोग कहते हमारे बारे में सर, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो हाँ। देखिए मैडम, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वही सच है, निशा अमृत एक आतंकवादी है। बाकी जिसे जो ख्याली पुलाव पकाना पकाए, मुझे क्या लेना देना। हाँ तो निकल। ऐसा ये लोग हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो हम होते तो अब क्या मैडम सर? अब करिश्मा सिंह, हमें इस बुलबुल पांडे को समझाना होगा कि अधूरा सच कितना खतरनाक होता है, तब वो समझ पाएगा कि निशा अमृत निर्दोष क्यों है। पर ये कैसे होगा मैडम सर? बुलबुल जी, देखिए हमें जो कहना था हमने अंदर कह दिया, अब हम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, प्लीज। नहीं, हम निशा अमृत के केस के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम किसी और केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं जो आप ही के थाना क्षेत्र में आता है, तो सोचा आपसे बेहतर कौन होगा। कैसा केस, कौन सा केस? देखिए बाकी सब तो हमें नहीं पता, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बाद आपको मेडल जरूर मिल सकता है, और हो सकता है कि लगे हाथ हमारा भी प्रमोशन हो जाए। तरक्की किसे बुरी लगती है? ये हुई ना बात। अरे भाई, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। हट, लालची कहीं का। सर, हम अपने बारे में कह रहे हैं, अगर हम आपकी जगह ये कहे होते ना तो हमको सब लालची समझता। कैसा केस? ओके, देखिए केस ये साला, कंटिन्यू। ओके, हमें हमारी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि एक बहुत ही नामचीन क्रिमिनल है जो लखनऊ में ऑलरेडी आ चुका है, और एक दो दिन में आपके इलाके में आने वाला है किसी से मिलने के। कौन है वो क्रिमिनल और कहाँ आने वाला है? बहुत ज्यादा तो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पुष्पा जी के सोर्सेज से आ रही है। पुष्पा जी? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे पुष्पा जी को पता चलेगा वैसे वैसे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है। फ्रेंड्स? कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई, पुलिस दोस्त नहीं हो सकते? नहीं, ये नहीं, हमारे सलून में ऑफर चल रहा है और उसका फादर उठा है, ये कैसे हो सकता है? ओ! आज शाम 5 बजे तक हेयर कटिंग के साथ फुल बॉडी मसाज फ्री जी। अरे भैया देखो, सब फ्री है। अरे और क्या चाहिए, इतना बड़ा तो मुफ्तखोर आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। अरे मुफ्तखोर तो ऐसे है कि जिंदा केकड़ा भी मिले ना तो कच्चा चबा जाते हैं, और ये तो फ्री मसाज है। आप नहीं सर, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, हम हैं तो हम जिंदा केकड़ा भी चबा सकते हैं फ्री में मिले तो। हसीना जी, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हमारे नहीं, पुष्पा जी के। हाँ, पुष्पा जी के। जी, चलिए, ऑफर है। चलिए, आपको केकड़े खिलाते हैं, चलिए। आ, 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 आ,
वापस करा। अरे बाबू कुछ हड्डियाँ बाकी है, रुको। अरे कुछ हड्डियाँ तो छोड़ दो जालिम। आई हो माई बचाओ। अरे दादा फ्री की मसाज ऐसी होती है। जय हिंद सर। कौन बोल रहा है? जी हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाय हमने भी कहा आपसे सर। खैर हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें हमारे खबरियों से टिप मिली है। वो जो इनामी बदमाश है ना वो आपके थाना क्षेत्र में पहुंच भी गया है और गोमती नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे वो जो बंद मार्केट है ना वहाँ पे छुप के बैठा है। क्या बात कर रही है? हाय कितनी बार तो कहा है हमने, हाय और कितनी बार कहेंगे। खैर मैडम सर ने कहा है कि आप ठीक 5 बजे जो हमने आपको जगह बताई है ना वहाँ पे पहुँच जाएगा और वो भी अकेले। मैडम सर भी वहाँ 5 बजे पहुँच जाएंगे। और हाँ सीक्रेट मिशन है ना तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन सी खबर नहीं होगी? अरे बोला ना कानो कान खबर नहीं होगी तो तुम्हें कैसे बताऊं? अरे हमको तो बता दीजिए, हम तो आपके साले हैं। हट। हाँ कह दीजिए उन्हें हम 5 बजे पंप हाउस पहुंच जाएंगे। क्या हाय हाय लगा रखी है सर आपने? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि वो इनामी बदमाश कौन है जिसे आप और हसीना मैडम पकड़ने जा रहे हैं। कौन है वो? आई पी सिंह। पी सिंह कौन है ये? पी सिंह क्या आप पी सिंह को नहीं जानते? मगर वो तो आपको अच्छे से जानता है। हमने सुना है कि वो किसी को कह रहा था। बुलबुल पांडे से तो हमारी बहुत पुरानी और निजी दुश्मनी है। बस एक बार बुलबुल पांडे हमारे हाथ लग जाए फिर देखना उसको ऐसे मार मार के पटकेंगे, पटक पटक के मारेंगे, पहले धोएंगे फिर सुखाएंगे फिर मारेंगे, उसका तो पैंट उतार के रखेंगे हम। ये सब लोग मेरे पैंट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या? अरे गोली दाग देंगे हमारा पैंट को हाथ लगाने वाले पे। देख लेते हैं कौन है ये पी सिंह। जैन सर। अरे थोड़ा फास्ट चलिए ना। अरे फास्ट की सगली, पेट्रोल क्यों नहीं भरा? 10। बहुत थकावट सा लग रहा है। तुझे थकावट सी हो गई? ए सर बैठे बैठे भी तो थकावट होती है ना आदमी को। ये दिन में इतना सन्नाटा क्यों है? काहे कि यहाँ के सारे फैक्ट्री बंद हो गए और यहाँ के लोग अपना घर दुकान बेचकर निकल लिए। अब यहाँ पे खूंखार चोर अपराधियों के अड्डा बा। ठीक है डरता हूँ क्या मैं? चल कहाँ? अरे उस पी सिंह को पकड़ने। अरे हसीना मैडम को तो आ जाने दीजिए, दोनों साथ मिल के ही तो बदमाश को पकड़ेंगे। अरे पहल उस हसीना मैडम के साथ में पकड़ना होता तो समय से पहले क्यों आते हम लोग यहाँ पे? उनके साथ नहीं पकड़ना है, उस पी सिंह को हम अकेले मार गिराएंगे तो सारे मेडल सारे यश सारी तरक्की हमें अकेले मिलेंगे। इतना अच्छा मौका मैं किसी के साथ क्यों बांटूं? तरक्की मेहनत से नहीं टैलेंट से आती है। फायर फायर कीजिए। अरे वो अपराधी आपके सामने आके गोली नहीं खाएगा, आपको जाकर उसको मारना होगा। जाइए और गोली चलाइए, देश के नाम पर अपना जान लुटा दीजिए। जाइए। जा रहा हूं। अरे खिसक कह रहे स्पीड में जाइए ना। जा। ढेर कर दिया मैंने उस पी सिंह को ढेर। आइए आइए हसीना मैडम। बुलबुल पांडे सर। क्या आप इतनी जल्दी आ गए? अरे हसीना मैडम मैं जल्दी नहीं, आप देर से आई हैं। मैडम जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही मेडल मेडल पे लिखा है पाने वाले का नाम। वो पी सिंह को मैंने अकेले ढेर कर दिया वहां पे। अब सारे मेडल सारी तरक्की सारा प्रमोशन अकेले मेरा।
ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रमोशन की बात आएगी तब देख लेंगे। चलिए चलकर बॉडी कस्टडी में लेते हैं। हाँ, उस तरफ चलिए। हेलो करिश्मा मैडम। जी नमस्ते। पुष्पा जी, सासुमा, ये कैसे हो गया? सासुमा, ये क्या किया बुलबुल पांडे? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे सासुमा, मेरे सर, ये आपने क्या किया? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, कौन सी गोली चलाई थी आपने? अरे मैंने गोली चलाई पुष्पा जी पे थोड़ी ना चलाई थी, मुझे क्या पता? सासुमा जी, थोड़ा कम करिए, उसको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, भांडा फूट जाएगा, थोड़ा कम। पुष्पा जी, थोड़ा और कम, थोड़ा। मैडम सर गोली लगी है, खटमल ने थोड़ी काटा है, थोड़ा तो अभी ने करने दो। थोड़ा कम करो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पुष्पा जी ठीक है। बुलबुल पांडे, तुमने क्या किया? पुष्पा सिंह को तुमने गोली मार दी, ये मर चुकी है। नहीं, हम मरे नहीं है, थोड़ी जिंदा है अभी। कहा ये कहा? बहू 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 ये लो। हमारे बात, हमारी ललक ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा। जा रही हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, आपको पुष्पा जी, आराम से आराम से। हाँ बस बस, कहीं सुने। हाँ हाँ हाँ, माफ 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 किया। नहीं, हमने माफ किया, जाओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पुष्पा सिंह यहाँ कर क्या रही थी? अरे वो भी अपराधी को पकड़ने ना आई होंगी, आपकी तरह थोड़े ना। पुष्पा जी बस हो गया, कितना ओवर एक्टिंग करती है, इनके मरने का ओवर एक्टिंग से कोई मर जाए हम बता रहे हैं। अरे ये तड़प रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लगता ठीक से मरी नहीं। पुष्पा जी, अब इन्हें अस्पताल ले जाने का क्या फायदा? ये मर चुकी है, ये मर चुकी है, पूरी तरह मर चुकी है। बुलबुल पांडे, तुमने पुष्पा सिंह का खून किया है। करिश्मा सिंह, गिरफ्तार कर लीजिए इस हत्यारे को। जी मैडम, ये सच है, मैंने अपने कानों से बुलबुल पांडे जी को पुष्पा जी को धमकी देते हुए सुना है। अरे क्या क्या सुना है तुमने? कब धमकी दी मैंने? क्या धमकी दी मैंने उन्हें? ये कह रहे थे कि इनका अपमान करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना, आप बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अरे वो मैंने ऐसे कह दिया था। और ये भी बोले थे कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनकी इंसल्ट की। ऐसा बोला तुमने? अरे गुस्से में थे हम, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, निकल गया हमारे मुंह से। उनके वजह से हमारी पैंट उतरी थी भाई। पैंट? पैंट के बारे में भी कुछ कहा था ना, क्या कहा था बताइए? बाहर सैलून पे मालिश करते टाइम ये किसी से कह रहे थे फोन पर कि किसी पीसिंग को ये छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। हमारी प्यारी पुष्पा जी। और उड़ा डाला ना हमारी प्यारी सासू माँ को, गोली से उड़ा डाला, ले लिए तुमने उनके प्राण। अरे जो हुआ भाई, मिस्टेक हुआ, हम जानबूझ के नहीं किए हूँ। अरे वो गोली हम कहीं और चला रहे थे और गलती से लग गई पुष्पा जी को। इट वाज एन एक्सीडेंट। ऐसा आपको लगता है बुलबुल पांडे, लेकिन सारे गवाहों के स्टेटमेंट सुनकर तो यही लगता है कि एक सोचा समझा हुआ मर्डर प्लान। जान ले ली तुमने पुष्पा जी की। हमारी प्यारी पुष्पा जी। पुष्पा जी ने गलती से तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुमसे वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें गोली मार दी। हमारी प्यारी पुष्पा जी। झूठ है ये सब, झूठ है। यही सच है, सारे सबूत, सारे गवाह है हमारे पास। जिस गन से तुमने हमारी हमारी सासू माँ को गोली मारी है ना, उस पे तुम्हारे निशान भी है, हत्या का उद्देश्य सब है। और ये इतना काफी है ना मैडम सर, इसको जेल की हवा खिलाने के लिए। क्यों बुलबुल पांडे? आधा आधा सच है ये सब। तो पूरे सच में दिलचस्पी किसी है बुलबुल पांडे? जितना सच हमारे सामने है उतना काफी है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। हाँ। नहीं हसीना जी, देखिए ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अरे भाई घर परिवार वाला इंसान हूँ, अभी हाल ही में पिता बना हूँ, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए, प्लीज प्लीज। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें उससे अलग ना किया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ये बच्ची पैदा हुई है, तुमने उसे उसकी माँ से अलग कर दिया, उसका क्या?
उस वक्त भी तो यही हालात थे, यही सिचुएशन थी, यही गवाह थे और यही आधा अधूरा सच था। लेकिन तब तो तुमने इस आधे अधूरे सच के बलबूते पे एक निर्दोष माँ को आतंकवादी बना दिया और उसकी बच्ची से अलग कर दिया। बुलबुल पांडे, ऊपर कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। हम जो करते हैं उसका अकाउंट हमें इसी धरती पर क्लियर करना होता है। तो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुमने आधे अधूरे सच के बलबूते पर एक माँ को अपनी बच्ची से अलग कर दिया था, तो आज एक आधे अधूरे सच के बलबूते पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग किया जा रहा है। हिसाब बराबर? हसीना जी, देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि हमसे मिस्टेक हुआ है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। एक अधूरे सच को पूरा सच मान के हमने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। हमसे गलती हो गया, हमें और तफ्तीश करनी चाहिए थी और डिटेल में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी निशा अमृत के बारे में। अगर कुछ चमत्कार हो, हम यहाँ से निकले, हम वादा करते हैं कि इस बार निशा अमृत का पूरा सच कोर्ट के सामने लाएंगे और उसे बाइज्जत बरी करवाएंगे और एक माँ को अपनी बेटी से मिलवाएंगे। शायद इसी से हमारे पाप का प्रायश्चित हो। आइए। ये जिंदा है? जी, हम जिंदा हैं। हमारी प्यारी पुष्पा जी। चलिए आइए, बाहर आ जाइए। आइए सर जी। तो मिस्टर बुलबुल पांडे, दरअसल ये सब एक छोटा सा नाटक था। पूरे सच की अहमियत आपको समझाने के लिए हमें एक आधे अधूरे सच की रियलिटी क्रिएट करनी पड़ी। अब अगर आपको पूरे सच का वैल्यू समझ में आ गया है ना, तो तुरंत ये सच कोर्ट के सामने लाइए और एक माँ को उसके अपने बच्चे से मिलवाने का नेक काम कीजिए। आप ये केस को रीओपन कीजिए। ऐसे ही होगा, निशा अमृत रिया होगी और बहुत जल्द होगी। और आप लोगों का शुक्रिया, एक बार फिर आप लोगों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बार बार नहीं दिखाएंगे हम सही रास्ता, अगली बार से सही रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिएगा। ये बुलबुल जी।